औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फीमेल का ड्रेस कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने मेल के बारे में बताया तो काफ़ी मेरी जो बहनें हैं वो नाराज़ हो गई कि सर आपने जो है फीमेल का मेल का बताया है, फीमेल का नहीं बताया। तो पहले तो मैं आपसे माफ़ करता हूँ कि मैंने आपका नहीं बताया, क्योंकि वो क्यों नहीं बताया वो इसलिए कि फीमेल का जो होता है वो हर इंटरव्यू के अंदर एक जैसा ही होता है, मेल का हर जॉब्स के लिहाज से चेंज होता रहता है, यानी पोस्ट किस टाइप की है, इदारा कौन सा है, उसके लिहाज से चेंज होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं अपनी बहनों के लिए बना रहा हूँ वीडियो कि आपने कौन सा ड्रेस करके जाना है, MES के अंदर जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें आपने कौन सा ड्रेस करके जाना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को स्किप नहीं करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है और साथ खड़े जो बेल आइकन का बटन इसको प्रेस कर दें ताकि जो हमारी नई वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और वो नई आने वाली वीडियो क्या है, वो आपके लिए क्या अहमियत रखती है, तो वो मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह कमिंग सून जो है आपको एक वीडियो मिलेगी जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल। वो क्या है कि वो 10 गलतियां जो आप इंटरव्यू के अंदर करते हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, उसके अंदर मैं आपको वो आपकी 10 खामियाँ बताऊँगा जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है अभी पासिंग रेशो है यानी कितने नंबर वालों को पास किया गया है वो भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद आपका आता है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे से इंटरव्यू में उन्होंने सवाल किए थे वो सारे मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आपका एक सवाल आता है जो नैब का सिदका जेनी के इंटरव्यू अभी नहीं हुआ तो उसकी क्या डेट है, ड्राइवर का इंटरव्यू कब होगा, वो मैं आपको उसकी डेट बताऊँगा। फिर एक और सवाल है जी, इसी तरह जो अब पंजाब पुलिस के चल रहे हैं तो पंजाब पुलिस का जो अभी इंटरव्यू होना है उसके बारे में भी कुछ ऐसे सवाल आते हैं, उनकी मुकम्मल डिटेल। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट का किसी को नहीं पता, वो मैं आपको पंजाब पुलिस की बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज पासिंग रेशो जो है कितने लोग पास हुए तो वो सारे डिटेल बताऊँगा। तो आइए आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, इस वीडियो के अंदर जो हमने बात करनी है वो है अपनी बहनों के लिए, फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, कि आपने कैसा ड्रेस करना है। तो आप सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और इस्लाम का क्या ड्रेस है, आप उसके लिए जा रही हैं अप्लाई करने के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए, तो आपने इस्लामी लिबास पहन के जाना है। यानी अगर आप बुर्का पहनती हैं तो ऐसा बुर्का हर के, पहले तो मैं आपसे माफ़ करता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, क्योंकि ये तल्ख हकीकत है, थोड़ी हो सकता है किसी को गलत यानी कोई माइंड करे, किसी को बुरा लगे, तो उसके लिए मैं पहले माफ़ करता हूँ, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि इस तरह के लिबास आए हुए हैं। ऐसा हरगिज़ लिबास नहीं पहन के जाना जिसके अंदर आपका जिस्म जो है वो महफूज ना हो। बुर्का भी ऐसा नहीं पहना कि उसके ऊपर दूसरे बुर्के की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं, सादा बिल्कुल सिंपल खुला टाइप जो है वो आपने बुर्का पहनना है, उसके ऊपर सकाफ जो होता है वो करना है अगर आप बुर्का पहनती हैं तो, इस तरह का ये तस्वीर के अंदर भी आप देख सकती हैं। और अगर आप बुर्का नहीं पहनती होती तो आप कोई सादा अपने मुंह को ऐसे ढक के जाए मुकम्मल बुर्के कपड़े के साथ जो साफा बना होता है जिसको सकाफ भी बोलती है, आपकी अपनी जबान जो चीज़ बोलती है, और सादा कपड़े पहन के जाने, टैट फैट जीन्स ये चीज़ें नहीं पहनी, सादा लिबास में जाए और जो है वहाँ पे एफिशिएंसी नहीं जानी, सादा बिल्कुल मासूम से बन गए वहाँ पे, उसे ये पता चले कि ये किसी तहजीब याफ्ता घराने की बेटी है। अगर आप वहाँ पे अपनी चलाकियाँ दिखाएंगी, अपने आप को कोई हीरो शो करेंगी तो वो फौरन आर्मी का इदारा है वो आपको रिजेक्ट करके कहेगा बेटा आप घर जाओ। तो ये थी आपकी जो ड्रेसिंग है, इस तरह सादा बन के जाने, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हमारी तो आप सबके साथ हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।